गाइस, मैं हूँ हेमा नेगी और ये है शिवानी पवार। तो अभी हम जो है ना, यही लग रही थी कि गंदी सी, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो हम अभी खलिंगा रखे हैं, तो वहाँ नीचे पे रोड काम चल रहा है, मतलब रोड का काम क्या होता है, रोड का काम चल रहा है नीचे पे। तो हमें गाड़ी ऊपर लाने के अलावा नहीं किया, क्योंकि पेंट वगैरह कर रहे हैं वो रोड में। तो यहाँ का नज़ारा ना बहुत ही सुंदर है, और यहाँ काफ़ी ठंडा लग रहा है, धूप नहीं आती पेड़ों की वजह से। तो ना बहुत ही सुंदर है यहाँ का, यहाँ रोड में डेंट पेंट चल रहा है, और उसके वजह रोड में जो है डेंट पेंट अच्छे से हो जाएगा, तो स्कूटी जो है ना फुर फुर चलेगी। कैसे चलेगी शिवानी स्कूटी? फुर फुर लेके आऊंगी। नहीं नहीं वहाँ पे कहाँ जाना है, तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का खलिंगा का। ये शिवानी है, बस नौटंकी करती रहती दिन भर, देख सकते हैं इसकी हरकतें। मैं बोल रही मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगी, मेरी शक्ल गंदी हो रखी है। और यहाँ पे गड्ढे बना रखे हैं जिससे कि पानी जो है ना स्टोर हो सके यहाँ पे। शिवानी ने मुझे ना स्कूटी में नीचे गिरा दिया था, बस थोड़ा सा बची, नहीं तो लुढ़क देती हूँ, लुढ़का देती मेरे को ये लड़की। हैवी ड्राइवर तो है ना, लेकिन मेरे को गिरा दिया था। बीच में ना बहुत सारे पत्थर आए, और एक बार तो ऊपर ही नहीं चढ़ पाए थी इसकी नजर, और ये उनसे बातें कर रही थी, उनके चक्कर में वो अच्छी अच्छी जगह से निकल रहे थे और हमारे लिए पत्थर छोड़ रहे थे। वो ये जाल मुझे पत्थर वाले रास्ते पे जा रही थी, मतलब दूसरे तो अच्छे रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन ये जो है ना गंदे गंदे रास्ते पे जा रही थी, बगल से आ रहे थे वो। तो गाइस हम लोग जो है ना पैदल चल रहे हैं, और शिवानी ये व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, खलिंगा का यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ आके बिल्कुल मूड फ्रेश हो गया है, और अब पढ़ने का मन नहीं है। बट फिर बार आएंगे ना तब हो गए तेरे पढ़ने का मूड नहीं, मतलब यहाँ का रास्ता देख सकते सामने कितना अच्छा लग रहा, सुंदर सा नजारा। आप भी आइए। तो गाइस ये जो खलिंगा है ना, ये क्या होता है, देहरादून से बस कितने 2 किलोमीटर की दूरी पे है, नाला पानी रोड पे है ये, वहाँ से ऊपर आना है। और तो गाइस यहाँ पे जो है ना मंदिर भी है, यहाँ पे देवी का मंदिर है, तो थोड़ा वहाँ पे चलते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बस थोड़ा दूर में खलिंगा है, देखेंगे। गाइस ये है मंदिर, यहाँ पे पेंट किया हुआ है, देवी का मंदिर है शायद से यहाँ पे। कुछ नहीं होता, शिवानी को डर लग रहा है यहाँ पे। तो यह रास्ता सीधे जाता ऊपर खलिंगा के लिए, हम थोड़े यहाँ पे मत्था टेकते हैं यहाँ पे। तो हम पे हमारे पास तो कुछ है नहीं ज्यादा कुछ, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं ज्यादा, बस मत्था टेकते हैं और फिर क्या बोलते हैं ना ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था है बैठने घूमने के लिए भी है। ये रुद्रानी देवी का मंदिर है यहाँ पे। तो अभी हम जूते उतारते हैं अपने। तो गाइज ये यहाँ पे है चंद्रानी देवी का मंदिर, नाला पानी, हर चावला तपोवन आश्रम देहरादून। तो ये है यहाँ पे मंदिर। शायद से क्या बोलते पंडित चंद्रानी देवी, उनकी क्या बोलते यहाँ पे गोरखों वाले, उनकी देवी है, और चंद्रानी देवी नाला पानी में। गाइस हमने जो है माथा टेक दिया है, और अब खलिंगा की तरफ चलते हैं, ये जूते नहीं लगा पा रही तब से। यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि जब क्या बोलते हैं, यहाँ गोरखाओं का जो है ना यहाँ उत्तराखंड पे शासन था, तो उस टाइम पे जो है ना हर्षवर्धन ने जो है ना अंग्रेजों को बुलाया था यहाँ पे के लिए, और जो कुड़बुड़ा का युद्ध में आपको पता ही होगा जो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना गोरखाओं का शासन होता है यहाँ पे कुमाऊं में, तो 1790 से होता है और 1815 तक, और गढ़वाल में भी जो है ना गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है।
और जबकि क्या बोलते 1804 में उत्तराखंड बहुत भयंकर भूकंप आया था, फिर 1804 में जो है ना प्रद्युम्न शाह की जो है ना मृत्यु के बाद जो है ना उत्तराखंड पे, पूरे उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं पे जो है ना गोरखाओं का शासन हो जाता है। तो 1804 से जो है ना गोरखाओं का जो है ना शासन उत्तराखंड में रहता है, गढ़वाल में, और कुमाऊं में तो 1790 पे रहता है। तो उसी के टाइम पे से हर्षवर्धन जो है प्रद्युम्न साहब का बेटा था, तो उस टाइम से यहाँ पे जो है ना उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया था, और अंग्रेजों की तो यहाँ पे जो है ना अंग्रेजों के द्वारा जो है ना गोरखाओं पे अटैक हुआ था। तो गोरखाओं ने जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे बाउंड्री बनाई थी, सबसे टॉप में गए थे देहरादून के, तो उस टॉप में जो है ना उनकी वो याद में क्या बोलते कि यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ाई की थी, इसलिए स्मृति बनाएगी। अमर सिंह थापा था जो कि नेपाली राजा था, याद में गोरखाओं की याद में जो है कि यहाँ पे इन्होंने युद्ध किया था, उसके यहाँ पे स्मारक बनाया गया है यहाँ पे। और मेरी सांस जो है ना ऐसा चढ़ाई ना उस लड़ाई ऊपर, तो बोला नहीं जरा सांस फूली बहुत ज्यादा आगे है, तो हमने अभी खाना खाया है ना, तो मतलब चला ही नहीं जा रहा है, थकान तो नहीं लगी, हम काफी पैदल चले आज वैसे तो सांस काफी फूल रही है मेरी आज खाते खाते, और ऐसे चलाने यहाँ पे ऐसे चलाने क्या ही बताएं, आप लोग आए तो पता चल जाएगा। अगर आप लोग देहरादून आते हो तो यहाँ घूमने जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे सुनसान है, अकेला भी है, और शांति तो बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ही सुंदर है, प्रकृति वाला वो है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे चारों तरफ ना बड़े बड़े पेड़ हैं, और घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। पर यहाँ पे जो ना कूड़ा वगैरह मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा स्वच्छ है यहाँ पे, और यहाँ जो ना रोड भी बन रही है ना बहुत ही अच्छी बनी है, ये देख सकते हैं यहाँ की रोड, अभी धूप लग रही सामने से, ये देख सकते हैं यहाँ की रोड, और ये लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़, और यहाँ सामने पे धूप आ रही है। तो फाइनली हमने जो है ना चढ़ाई पार कर दी, वैसे हमें ना यहाँ तक तो पूरा स्कूटी पे आना था, क्योंकि वहाँ पे पेंट कर रहे थे रोड पे, तो हमें वहीं पे गाड़ी रुकवा दी, और हम इतना पैदल जो है ना 15 मिनट का रास्ता हो गया पैदल चलते आ रहे हैं। वैसे सही है, पैदल नहीं चलते तो ट्रैक का पता कैसे चलता है कि हम घूमने आए हैं। असली मजा तो अभी आ रहा है चलने में, क्योंकि ट्रैकिंग का मजा वही है चलने में, तो अभी मुझे लगा आ गया, लेकिन थोड़ा भी और बाकी है, पैदल ज़्यादा लग रहा है यहाँ, हम काफ़ी नीचे से आए वैसे पैदल। शिवानी देखो कितने नीचे आ रही है, ये देखो इतने नीचे से आ रही है। यहाँ से ना पूरा देहरादून दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से देहरादून, तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का व्यू ऊपर से। तो देखते हैं, अभी तो पहुँच ही नहीं हूँ मैं, मुझे लगा पहुँच गए, लेकिन अभी शायद थोड़ा दूर और है। शिवानी तो आराम से आ रही है, मैं ही चल ली जा रही हूँ। अभी जो है ना ऊपर के लिए था, अब जो उनार है, उनार मतलब नीचे के लिए, फिर उबार है, और फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर चढ़ाई वाला ऐसा रास्ता है, ऐसे भागते जाएंगे, भागो तो गाइस देख सकते हैं ऐसे रास्ते में आने पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे जो ना काफी आवाज गूंज रही है, बोली शिवानी शिवानी ओए शिवानी, तो गूंज रही है ना आवाज, इसे चला नहीं जा रही है बोड़ी वापस ज्यादा, जबकि जो है ना हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं खलिंगा पे, और ये बोल रही है कि इधर आ जा, इतनी स्मारक को देखना भी तो जरूरी है, मैं तो देखी भी है पर इसको दिखाना आई थी मैं यहाँ, तो ये बोड़ी मेरे से नहीं चला जा रहा है। तो चढ़ाई है, काफी अच्छा है, आइए यहाँ घूमिए, विजिट करिए, बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ का। भाग 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 मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग भाग मिल्खा भाग 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 जा ऊपर दी, पहुंच गई, जा चली जा, पहुंच गई, हाँ यही है वो, जा चली जा। तो गाइस ये थे बलभद्र खलिंगा युद्ध स्मारक, 1814 में जब गोरखाओं का शासन था यहाँ पे, तब अंग्रेजों के द्वारा जो है ना गोरखा प्रास्त हुए थे, नाला पानी देहरादून में है ये स्मारक बलभद्र खलिंगा के नाम से। अब यहाँ पे जो है ना काम चल रहा है शायद से, तो हमें जो है ना ऐसे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 हाई, ये देख सकते ये लिखा हुआ था वाह मेमोरिस्ट, ओह बेटा इतना कौन पढ़ेगा, पढ़ो आप, मेरे को थकान लग गई, ये देख सकते हैं
यही वाला आज तो यही वाला लिखना ना, डबल भद्रा कलिंगा विकास स्मारक, कलंगा बैटल फाइट नाला पानी देहरादून में हुई थी, बलवंत सिंह थापा के, मैंने अमर सिंह थापा बोला, बलवंत सिंह थापा के तो अकॉर्डिंग हुई थी गोरखा सोल्डर की। तो ये है यहाँ पे इसकी कहानी। यहीं पे जो है ना स्मारक भी, स्मारक बनी हुई है गोरखाओं की, इसमें कि यहाँ पे कलिंगा का युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक जो है ना स्मारक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना हमारी जनरेशन के लोग जो है ना उन्होंने यहाँ पे बहुत बेकार कर दिया है। दिखा सकती हूँ मैं आप लोगों को, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मतलब पता नहीं अच्छी चीजों को लोग बुरा क्यों कर देते हैं। सेव कलिंगा लिखा है, डू नॉट लेटर लिखा है यहाँ पे, अच्छी है। द पोएट्री ऑफ द अर्थ लिखा है, इज नेवर डाई। तो ये पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे स्मारक के बीच, और यहाँ पे जो कारनामे किए हुए ना बहुत बेकार है। ये पता नहीं किस चीज ने अपने नाम लिखे हुए हैं, ये देखिए पता नहीं किसी ने अपना नाम लिखे, 2022 भी लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखने आता है, सारा खराब कर रहे, इतनी अच्छी जो है ना चीजों को खराब कर देते हैं सब चीज को। ये तो ठीक है सेव कलिंगा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने सब जगह जो है ना नाम रख दिया है, पूरे नाम लिखे हुए, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, अनाप शनाप कुछ भी लिख देते हैं। और ये हमारे कलिंगा के स्मारक है, सुंदर सी किसी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा लगा। नेचर बर्डी द पोएट्री ऑफ द अर्थ, द डोंट पॉल्यूट नेचर, देख सकते हैं बहुत सेव। और यहाँ से नीचे देख सकते हैं ये कलिंगा, ये हमारी स्मारक है, इसमें थोड़ा चलेंगे ऊपर। तो यहीं से जो है ना अंग्रेजों ने अटैक किया था, यहाँ से तो गोरखा पत्थर वगैरह ढाल सकते थे, बहुत कुछ ढाल सकते थे, पर लेकिन फिर भी जो है ना गोरखा परास्त हो गया अंग्रेजों से। यही वो जगह है जहाँ से जो है ना अंग्रेज ऊपर आए थे और गोरखाओं को परास्त, वैसे इतनी ऊपर ऊपर की जगह पे जो है ना परास्त करना नामुमकिन है क्योंकि हम ऊपर वाले जो है ना भारी रहते हैं, यहाँ से पत्थर फेंक सकते हैं और इनको हरा सकते हैं मस्त मार करके गोरखा है ना अंग्रेजों को, लेकिन फिर भी जो है ना हराई दिया था। यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे। तो सामने पे देहरादून का व्यू है ये है, और इधर से यदि कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि कुछ खास, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पेड़ आ रखे हैं था। तो ये था शिवानी है यहाँ पे, ये हमारी स्मारक। हमने जो है ना फोटो खींच दी है और स्मारक भी देख ली थी हमने खूब उड़ा के, तो अब जो है ना नीचे की ओर गति कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ काफी ठंडा लग रहा है। मैं तो ये बस यही पहन के आई, इसके पास तो थोड़ा है कि तो शिवानी ने ढंग की फोटो नहीं खींची क्योंकि वहाँ पे धूप लग रही थी। तो शिवानी कह रही यहाँ पे खींचते मेरी अच्छी अच्छी फोटोज, तो नीचे जाते टाइम पे हम अच्छी अच्छी फोटो खींचेंगे सुंदर सुंदर पेड़ों के साथ।